Hey guys, welcome back to Indian Mom Deepika's Kitchen. कैसे हैं आप? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. तो आज बहुत ही डिलीशियस यम और सुपर हेल्दी डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ. बच्चों को तो केक खाना बहुत ही पसंद है और बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी केक खाना किसे पसंद नहीं है. झटपट से बन जाता है और सुपर हेल्दी केक की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ. ना तो ये मैदे से बन रही है, ना ही ये अंडे से बन रही है. तो गैस करिए किससे बन रही है और देखिए इसका टेक्सचर देखिए गाइस, कितना डिलीशियस बना था ना. सच में बहुत ही यम, बहुत ही डिलीशियस बना था. चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल. यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 कप दही. आप केक बनाने के लिए पर्टिकुलर किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट रखिए, आपका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा और केक भी आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा. यहाँ पर मैंने शुगर ली है घर पर ही, उसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था, तो पाउडर शुगर का यूज़ किया है. यहाँ पर आप खड़ी शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है. पूरे दूध को हमें यहाँ नहीं डालना है, थोड़ा सा दूध डालूंगी और थोड़ा सा बचा लूँगी मैं यहाँ पर. अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे की प्रोसेस में ये दूध को जो है वो नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. अब अच्छी तरह से एक विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से सारा चीज़ मिक्स कर लें, जिसमें जो है वो चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए. यहाँ पर मैंने बारीक सूजी ली है. अगर आपके पास बारीक सूजी घर पर अवेलेबल नहीं है तो जो मोटी सूजी है उसी को आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, बारीक बन जाएगी, डोंट वरी. अब यहाँ हमें लम्स फ्री एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, तो थोड़ी थोड़ी सूजी को हमें जो वो है घोल में डालना है और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो है बैटर बनाना है. तो थोड़ी थोड़ी सूजी करके ऐड करें और यहाँ पर हमारे जो बैटर है वो तैयार हो गया है, देख लीजिए आप. और इससे सूजी को जो है वो फूलेगी सूजी, तो अभी इसे फूलने के लिए इसे हमें रखना है. यहाँ पर मैं 1/2 कप जो है वो एकदम न्यूट्रल फ्लेवर का जो है वो ऑयल ले रही हूँ. आप ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो बिल्कुल न्यूट्रल फ्लेवर का लीजिए, जिसका कोई एक पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं होता है. और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें. यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे बैटर में मिक्स हो गया है. तो बस अब हमें सूजी को फूलने के लिए 10 मिनट के लिए रख देना है. तो 10 मिनट के लिए मैं ढककर रख देती हूँ. तो आज जो केक हम बनाने जा रहे हैं ना, वो जो है वो ना ही हम ओवन में बना रहे हैं, ना ही कुकर कढ़ाई में बना रहे हैं, पतीले में बना रहे हैं. लास्ट वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने इसी पतीले पर बनाया था. तो यहाँ पर पतीला रख दिया है, एक मैंने स्टैंड रख दिया है स्टील का, और इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए. तो यहाँ पर मैंने रख दिया है और 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से प्री हीट हो जाता है. तो बस यहाँ पर एक पतीला रख दिया है और एक बिल्कुल बराबर के लिड से मैंने जो है वो इसे कवर कर दिया है, ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले. आप अपने हिसाब से कुकर या कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो लिड है ना वो बराबर की होनी चाहिए ताकि स्टीम बाहर ना निकले. अब बस कुछ नहीं, घर में जो कप अवेलेबल होते हैं ना हमारे चाय के नॉर्मली, तो यहाँ मैंने 2 साइज़ के कप लिए हैं. एक नॉर्मली चाय का कप लिया है, एक और एक कॉफ़ी मग ले लिया है. तो बस आज हम इसी में जो अपना केक बनाने जा रहे हैं. बहुत ही हेल्दी वाला केक है जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और हम बड़ों के लिए भी. तो बस कुछ नहीं करना है, अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है यहाँ पर मैंने. आप घी भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीस करने के लिए. मैं यहाँ पर ऑयल से जो है वो ग्रीस कर रही हूँ. सारे कप को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, ताकि जो केक है ना वो आसानी से ईजिली बाहर आ जाए पकने के बाद. 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो तो तैयार हो गया है. अब यहाँ पर हमें बिल्कुल भी दूध को डालने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस, जिससे फ्लेवर बहुत ही इन्हांस होकर आता है. और आज मैं 2 फ्लेवर के जो केक है वो आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ. तो यहाँ पर वनीला एसेंस मैंने ऐड कर दिया है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है. यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा, और उसी चम्मच का 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर.
तो यहाँ पर अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद बहुत ही जेंटली, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से जो है हमें बैटर को मिक्स करना है। यहाँ पर मैं जो है वो वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, बट नींबू से जो थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा, तो बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पर वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका ऐड करें। बहुत ही अच्छा जो हमारा वो जो केक होता है ना वो फूलता है, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने दो फ्लेवर में बनाना है, तो थोड़ा सा जो बैटर है वो मैंने अलग कर लिया है। अब इसका मैं चॉकलेट फ्लेवर बताऊंगी यहाँ पर आपको बनाना। तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच जो है वो कोको पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप चॉकलेट सिरप ले सकते हैं, या कोई भी नॉर्मली कैडबरी डेरी मिल्क चॉकलेट को भी आप मेल्ट करके यहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाला जो बैटर है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। बस अब कुछ नहीं करूँगी, यहाँ पर जो है चॉकलेट शेविंग्स ऐड कर दूँगी मैं। इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और जब ये पूरे केक में जो मेल्ट होगी ना तो एक बहुत ही अलग ही टेस्ट आएगा। जो तैयार किए थे कब, बस अब कुछ नहीं करना है उसमें, ये चॉकलेट फ्लेवर वाला जो केक है बैटर है वो यहाँ पर भर दिया है मैंने। केक को सॉरी बैटर को पूरा ना भरें, थोड़ा सा कप में खाली रखें, क्योंकि जो केक है ना वो जब स्टीम होगा, जब बेक होगा, तो वो फूलकर ऊपर भी आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा खाली रखा है मैंने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अब एक में टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, सिंपल वाला टूटी फ्रूटी केक बना रही हूँ। तो टूटी फ्रूटी से उसे गार्निशिंग कर दी और थोड़ी सी चेरीज डाल दिए हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर वाले में मैं थोड़े से चॉकलेट शेविंग्स और यहाँ पर ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ। बस अब हमारा जो कप केक है वो पूरी तरह से मतलब तैयार है बेक होने के लिए। तो चलिए अपने कप को जो है वो अपने पतीले में जो है वो सेट कर देते हैं इस तरह से। और बहुत ही केयरफुली यहाँ पर अगर आप बना रहे तो बहुत ही केयरफुली करें, बिकॉज ये बहुत गर्म होता है। तो चलिए अब इसे 15 से 20 मिनट तक ढक कर रख देते हैं, और बीच में हमें बिल्कुल इसे खोलना नहीं है। चेक करने के लिए एक दो बार खोल सकते हैं, पर बार बार ना खोलें। तो 15 से 20 मिनट, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं, देखिए कितना ऊपर आ गया था बैटर मैंने कितना कम भरा था। तो यहाँ पर चेक करते हैं एक नाइफ की हेल्प से, बिकॉज टूथपिक तो उतनी अंदर जाएगी नहीं। तो देख लीजिए हमारी जो नाइफ है एकदम क्लीन निकली है, तो इसका मतलब जो केक है वो पक चुका है। और आप किनारे भी देख रहे हैं, साइड्स भी देखिए, कप के जो बैटर है वो सेपरेट हो गया है। इसका मतलब जो हमारा जो केक है कप केक वो अच्छी तरह से कुक हो गया। तो बहुत ही केयरफुली निकालें गाइस। तो देख लीजिए हमारा तैयार हो गया, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही हेल्दी बनता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बिकॉज जो है वो बच्चों की छुट्टियां भी चालू हैं। तो बस बना बना कर अच्छा अच्छा खाइए, और बच्चों को भी खिलाइए, और पूरे परिवार को खिलाकर मज़े उठाइए। और ये कितना स्पॉन्जी बना, आप इसका टेक्सचर्स देख सकते हैं, और सच में ये बहुत टेस्टी बना था। सच में आप इसका स्पॉन्ज देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये निकलने के बाद इसका स्पॉन्ज मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्पून की हेल्प से इस तरह से इसके किनारों को थोड़ा सा सेपरेट कर लें, ताकि ईजिली जो है वो कप से केक जो है वो बाहर आ जाए। तो इस तरह से हम कर लेंगे, और अब मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ईजिली निकल जाता है, बस थोड़े से ट्रिक्स जो है वो आप देखिए। वाओ, देखिए इसका टेक्सचर्स देखिए, और कितना जालीदार बना है। और इसका स्पॉन्ज देखिए गाइस, कह सकते हैं कि ये जो केक है वो सूजी से बनाया है, वो भी घर पे, और वो भी बहुत ही चंद कम इंग्रेडिएंट से। तो देख लीजिए आप इसका टेक्सचर देखिए, और इसका स्पॉन्ज देखिए, सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। और उससे भी ज़रूरी बात है कि पूरी तरह से हेल्दी भी है। अगर बच्चे दिन में दो तीन बार खाएंगे भी तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैदा नहीं है। अब चॉकलेट वाले केक को ना चॉकलेट से गार्निशिंग करना तो बनता ही है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो है वो डाल दिया है, और ऊपर से डाल रही हूँ थोड़े से चॉकलेट शेविंग्स, और टूटी फ्रूटी वाले को थोड़ा सा चेरी से मैं गार्निशिंग कर दूंगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और वाइट चॉकलेट डाल दी है ताकि ये कंट्रास्ट लुक दे दे। दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको छोटा वाला जो कपकेक है ना वो आपको पास से दिखा रही हूँ। चलिए इसको मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड किया है, और वाइट चॉकलेट से इसे गार्निश किया है। और ये देखिए कितना यम में, कितना डिलीशियस लग रहा है ना, बिल्कुल बेकरी वाला। और कह सकते हैं कि एक सूजी से बना है। चलिए
किस देर किस बात की, चलिए कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट किया और आप देखिए इसका टेक्सचर्स देखिए, इसका जाली देखिए, इसमें कितनी जालीदार बना और कितना स्पॉन्जी बना आप देख सकते हैं, है ना। एक बहुत ही अच्छा केक तो तैयार हो चुका है हमारा केक। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जैसे कि मेरे चैनल के सारे अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। जल्द मिलते एक नए वीडियो साथ, तब तक जिल दैन टेक केयर, बाय बाय गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।